भी साला ठोकते ठोकते बच गया। वेलकम टू द रेस ट्रैक। ट्रैफिक रूल समझने में अभी भी काफी लोगों को काफी वक्त लग जाएगा। सीन कुछ ऐसा बदल गया जैसे वक्त बदलता है, जज्बा बदलता है और जिंदगी बदल जाता है। एक्चुअली अपना किस्मत भी कुछ ऐसा ही बदल गया। इसके पीछे भी कुछ ऐसा रीजन है जिसके मेन मुद्दा यह है कि अपना तबीयत कुछ 10 दिन से सही नहीं था, वरना 10 दिन पहले हम कहीं निकल जाते। पर उस दौरान जाने का प्लान ऐसा था कि हम समुद्र की ओर जाते, जिसके वजह से ऐसा स्टिकरिंग आपको दिखाए ओवरऑलिंग ओडिशा। अपने पास एक छक्का ओडिशा का प्लान था जो हम करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे कुछ प्लान था जो 10 दिन पहले हम निकल जाते और अब तक तो शायद घर भी पहुंच जाते, पर कर नहीं पाए। किस्मत सब किस्मत का खेल है। इन वेस कुछ चीज़ें हैं जो इसे यहाँ पर बोर ना करके आपको बाहर बताता हूँ तो शायद ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो बाहर मिलते हैं। अभी अभी साला ठोकते ठोकते बच गया। सच में ट्रैफिक रूल समझने में अभी भी काफ़ी लोगों को काफ़ी वक्त लग जाएगा। Anyways, good morning everyone. Welcome to your channel. My name is Shovik और आज हम ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं रोड से, क्योंकि रोड से तो डायरेक्टली नहीं, हमने इससे पहले भी किया हुआ था। ये पता नहीं क्या कर रहा है यार, हेडफोन पे बातें। वाह, सच में यार डेमोक्रेसी है, कुछ कह नहीं सकते। जो भी हो, फाइनली अभी जा रहे हैं दुर्गापुर के लिए, क्योंकि कुछ काम ऐसा है जो ट्रिप से जाने से पहले अपने को करवाना ज़रूरी है। ये बाइक रिगार्डिंग नहीं बट पर्सनल रिगार्डिंग तो है। एक्चुअली मम्मी का जस्ट जो ग्लासेस है वो रिप्लेस करवाना था, तो उस रिगार्डिंग हमने जस्ट ऑर्डर दिया था, उसको ले आने जा रहे हैं। बेसिकली यही फ़िलहाल प्लान है और कुछ खास नहीं। कल हम कोशिश करेंगे निकल जाने के लिए। प्लान तो था जो वो काफ़ी समय से, एक्चुअली ये फेब्रुअरी से पोस्टपोन्ड हो रहा है, बदल रहा है, वेट हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। पहले तो अपना वाइजाग जाने का प्लान था, पूरा सब कुछ सेट था, फिर जो पार्टनर हमने साथ जाने वाला था उसका तबीयत ख़राब हो गया, अपना माइंड भी थोड़ा सा ख़राब हो गया उस दौरान और वो क्विट हो गया। फिर आया मार्च में पूरी जाने का सीन, पर वो भी थोड़ा सा इशू तो हो ही चुका है। एक्चुअली नॉट ओनली पूरी, अपने को काफ़ी ज़्यादा कवर करना था उड़ीसा का, पर वो भी एज यूजुअल कुछ खास अभी तक हुआ नहीं। अपना जो स्टिकर है हमने वो भी करवा लिया था तब, मतलब जो भी हो। और अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या कर सकते हैं नेक्स्ट राइड नेक्स्ट ट्रिप के लिए। और एक सूचना, शायद कुछ लोगों को यह पर्सनल लगे, जो भी हो ऐसा अगर कवर करके जा रहे हो सामने वाले दीदी के जैसे, तो काइंडली हेलमेट भी पहन लो, तो अगर गिर भी गए तो मरोगे नहीं, थोड़ा सा बच जाओगे। के टाइम पे अगर ऐसा रास्ता मिल जाए ना तो मज़ा आ जाता है राइड करने में। मतलब ये नदी से एक बहता हुआ ठंडा ठंडा हवा और ऊपर से ऐसे, अरे बाप रे, स्पीड ब्रेकर। जो भी हो उससे कुछ खास असर नहीं पड़ता, बस ये नया बन चुका है। मतलब इससे पहले मुझे मालूम नहीं था तो इसीलिए मैंने कुछ खास गौर नहीं किया। रास्ता तो नून है पर ये स्पीड ब्रेकर अननोन था। जो भी हो, ये रास्ता था अपन का फर्स्ट टाइम का मिनी रेस ट्रैक, क्योंकि तब कुछ खास हाईवे पर राइड नहीं कर सकते थे, उतना हिम्मत नहीं था। अरे भाई साहब, पर आज ट्रकों के लोड के वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है, अपने को वो स्पीड नहीं मिल पा रहा, वरना तो हम यहाँ पर ऐसे लगा लेते थे ऐसे। पर सामने रेड सिग्नल है तो रुक जाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा पेट्रोल फुकबा के कोई ख़ास मतलब है नहीं। तो चलो रुक जाते हैं। और यहाँ पर हो रहा है पूजा। वेलकम टू द रेस ट्रैक। भाई साहब कहीं पर स्पीड लिमिटर ना हो वरना मेरा लग जाएगा।
गया हो गया हो गया, जीने का स्वाद हमने ले लिया, अब थोड़ा संभल के चलाना पड़ेगा। अगर अपने पास काफी ज्यादा पैसा आ गया ना तो ऐसी किसी कॉलोनी में एक घर खरीदेंगे, छोटा सा बंगलो टाइप का, मतलब बहुत अंदर का अरमान है जो हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं, समझ रहे हो ना। बट मुझे स्पेशली ये दुर्गापुर का ऐसा ऐसा पैच काफ़ी खूबसूरत लगता है क्योंकि यहाँ का जो एम्बियंस है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब थोड़ा सा शांत स्वभाव का, अच्छा अच्छा रोड, अच्छे अच्छे घर, और फाइनली हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पर, तो मिलते हैं थोड़ी देर पर। यहाँ पर एक राम मंदिर था, चाहता तो आपको दिखा सकता था आज, पर ठीक है बाद में कभी आएंगे दिखाएंगे अच्छे से शायद, फिलहाल अभी निकलते हैं घर के लिए। अरे भाई 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 कितना धूल है इधर। इस जगह को जब भी क्रॉस करता हूँ कुछ चीज़ें याद आ जाता है, हम 2021 में आई गेस होली खेलकर वापस आ रहे थे, उस दौरान भाई साहब क्या भयंकर एक्सीडेंट देखा था इसी जगह पर, पता नहीं बंदा मुझको देखकर ऐसे सामने ग्लैमर में था, हाथ में दो दारू का बोतल लिए कुछ एक्साइटेड हो गया और सीधा जाके एक चलता हुआ वैन पे ठोक डाला, तो काफ़ी भयंकर सीन था। अब जो भी कुछ था वो यही था और इतने तक ही था इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसके बाद जो पैकिंग का सिनेरियो है वो कुछ चेंजेस हो सकता है, वो लास्ट मोमेंट पे भी शायद डिसीजन चेंज हो सकता है, क्योंकि जाना तो है पर कहाँ जाएंगे वो कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर ऑलमोस्ट जो है ओडिशा साइड का वो भी सहन करने वाला, मतलब हम सहन कर सकते हैं तो उधर को भी जा सकते हैं, और अगर नॉर्थ पे जाएंगे तो नॉर्थ बंगाल वो भी सही है, पर नॉर्थ पे जाने के लिए जैकेट का ज़रूरत पड़ेगा, साउथ पे जाने के लिए नहीं, तो इसीलिए पैकिंग का कुछ दिखा नहीं क्योंकि वो अभी तक कुछ किया भी नहीं। तो इसी नोट पे करो इस वीडियो को एंड, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को करो लाइक, और डेफिनेटली आने वाला क्या राइड होने वाला है वो जानने के लिए काइंडली चैनल को करो सब्सक्राइब एंड नॉलेज से लीव अ लाइफ एंड सेकिंग हैंड द मीटर चीज ऑफ ड्रीम।